हेलो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से कटरा, मतलब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं, सुबह सुबह हुई है और मैं जल्दी जल्दी रेडी हो चुका हूँ। मैं घर से बाहर निकला, कहाँ जा रहे भाई साहब, इधर है रास्ता। ये गए हम ऑटो वाले के पास, सबसे पहले ऑटो लेंगे हम, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे। ये हमने ऑटो ले लिया, अब हम जा रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलिए ऑटो स्टार्ट हो गया, पहुंच गए हम लगभग, दे पहुंच गए हम। ऑटो वाले को पहले किराया दे देते हम। ये लीजिए भाई साहब, आपके कितने रुपए हो गए? अच्छा, लीजिए लीजिए, अपने पैसे लीजिए। अब चलते हम रेलवे स्टेशन के अंदर। टिकट तो हमारी पहले से ही बुक थी, तो इसलिए हमें टिकट काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये रेलवे स्टेशन, बहुत ही शांति है। ये देखिए, अब हम चलते हैं इस तरफ, चलते हैं टिकट काउंटर दूसरी तरफ है, लेकिन हम इधर से चलेंगे एंट्री करके सीधे प्लेटफॉर्म की ओर। यहाँ चेकिंग है, हमने चेक करवा लेते हैं बैग, इधर चेकिंग हो चुकी है। चलते हैं आगे, ऊपर चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। ये हमारा प्लेटफॉर्म की ओर, चलते हैं जल्दी से। ये चलिए आगे चलिए। ये देखिए, हम ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है। ये कौन सा है? प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही है, ये नीचे लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलते हैं चलते हैं, देखते हैं ये ट्रेन हमारी है या दूसरी है, देखते हैं। हाँ, ट्रेन तो लगी हुई है। ये क्या है? दिल्ली कटरा टू वैष्णो देवी। ठीक है, चलते हैं इसके अंदर। ये हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अपनी सीट पर भी बैठ चुके हैं और हमारी ट्रेन चल चुकी है। अब हम सीधे पहुंचेंगे कटरा बहुत ही जल्द। ये देखिए, अंदर गुफाओं से होते हुए जा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया गुफाएं हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है रास्ते में। सारी गुफाएं पार कर चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सिटी है सामने, बहुत ही प्यारी सिटी लग रही है ये। आगे चलते हैं सिटी को देखते हुए, वाह कितनी प्यारी सिटी है। चलिए ये देखिए, पीछे गांव भी है, पूरा गांव दिखाते हैं आपको, वो रहा दूर गांव दिख रहा है। ये देखिए हम कटरा आ चुके हो, सामने आपको दिखी थी कौन, अर्धकुंवारी मंदिर। अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। चलिए एग्जिट कर लेते हैं। अब एग्जिट करने के बाद हमें क्या लेना है? सबसे पहले तो पर्ची लेनी है, रजिस्ट्रेशन पर्ची, जो हम ऊपर जाने के लिए यूज़ होगी। उसके लिए हमें आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। तो हम चलते हैं, पहले हम पर्ची कटवाते हैं। ये यहाँ से पर्ची कटेगी, यहीं से, ये देखो यहीं लिखा हुआ है पर्ची काउंटर, जय माता वैष्णो देवी। यहाँ से हमने पर्ची ले ली है, अब चलते हैं आगे पर्ची लेने के बाद। चलते हैं हम अपने होटल, हमने होटल बुक किया था सामने ही, रेलवे स्टेशन के सामने ही है। चलते हैं ऊपर, एग्जिट करते हैं। चलते हैं हम अपने होटल की तरफ। ये देखिए कटरा रेलवे स्टेशन था, ये हमारा होटल है साइड में। हम होटल के अंदर जा रहे हैं, चलते हैं गेट खोलते हैं, होटल के अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले तो हमने यहाँ से चाबी ले ली। हाँ भाई, चाबी दे दो। हमने यहाँ से की ली अपनी, अब चलते हैं अपने रूम में, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद नहा धो के फिर चलेंगे दर्शन करने। चलते रूम में, ये हमारा रूम बहुत ही बढ़िया रूम है। चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उठेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे और वैष्णो देवी धाम के लिए चल लेंगे। ये हो गई सुबह, अब हम चलते हैं नहा लेते हैं। सबसे पहले बाथरूम में जाके, बाथरूम में हमारा, यहाँ पे जाके नहा लेते हैं। ये रहा पानी, अच्छे से नहा लेते हैं। हम अच्छे से नहा चुके हैं, ड्रेस भी चेंज कर लिए, चलते हैं बाहर। अब हम सीधे माता रानी के दर्शन करने, जय माता दी, चलते हैं बिल्कुल बाहर। चलिए निकलिए बाहर। हाँ, अब हम थोड़ा लगेज वगैरह सामान वामान थोड़ा सा ले लेते हैं, ज़्यादा सामान नहीं। चलते हैं बाहर, ये एग्जिट गेट है, इस तरफ ही हमने चाबी दे दी काउंटर पे। चलते हैं बाहर, इसके बाद ये दे दी चाबी। चलिए चलते हैं बाहर, ये बाहर आ गए। अब हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, जय माता दी। ये देखिए रास्ता जा रहा है, यहाँ से रिक्शे वगैरह भी मिलते हैं, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, बस आपके यहाँ पर्ची होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन वाली पर्ची, जिसके तहत हम ऊपर जा सकते हैं।
चलते हैं हम आगे। वो देखिए वहाँ पे एंट्री गेट दिख रहा है, द्वार दिख रहा है माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये सबसे पहला द्वार है, यहीं से हमारी एंट्री चालू होगी। यहाँ पे थोड़ी चेकिंग वगैरह रहती है पुलिस वालों की। ये देखिए हाँ, यहाँ घंटे लगे हुए हैं, जय माता दी, ये घंटी बजा रहे हैं हम। उसके बाद चलेंगे आगे। ये हम झुका के सर नमन करते हैं माता रानी को, जय माता दी। चलते हैं हम आगे। अभी ये देखिए आगे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है नीली ड्रेस में। ये सिक्योरिटी गार्ड भी हमसे कुछ चेकिंग वेकिंग करेगा, देखते हैं चेकिंग करता है कि नहीं। अब चेकिंग करेगा, हाँ ये कुछ कह रहा है। हाँ अच्छा, इधर चलना है, ठीक है, ओके थैंक यू। चलते हैं आगे, चलते हैं जल्दी जल्दी, माता रानी के दर्शन करने हैं हमें बहुत जल्द। ये देखिए जय माता दी, चलते हैं आगे आराम आराम से। ये नीचे देखिए पुल की ओर नदी पार कर रही है, बाण गंगा नदी है, बाण गंगा देख लीजिए, ये हमारी बाण गंगा। अभी इसमें जाके हम डुबकी लगाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ये बाण गंगा यहाँ लिखा हुआ है टैग पर, बाण गंगा। ये अब यहाँ थोड़ी देर हम डुबकी लगा लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। अब चलते हैं आगे, निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको दिखेगा चरण पादुका मंदिर, जय माता दी। ये चरण पादुका मंदिर आगे यहाँ पर टैग लगा हुआ है, देखिए ये चरण पादुका मंदिर। हम अंदर चलते हैं, पहले माता रानी के दर्शन करते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब चलिए दर्शन, थोड़ा जल्दी चलते हैं बाहर, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हैं, भीड़ नहीं है। चलते हैं आगे, अब आगे का देखते हैं क्या क्या आता है। अभी अब आगे आएगा हमारा अर्धकुंवारी मंदिर, वहाँ गर्जुन की गुफा है, वो भी दिखाएंगे आपको। ये साइड से चलते हैं, वो रास्ता जो जा रहा है गर्व, ये हमारा अर्धकुंवारी का रास्ता, यहाँ लिखा हुआ है ये वे टू अर्धकुंवारी टेम्पल। चलते हैं ऊपर, अर्धकुंवारी के में माता रानी के दर्शन करते हैं। इसी के साथ चलते हैं, ये जय माता रानी। ये हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी पे, वो सामने गर्वजन की गुफा है और ये अर्धकुंवारी मंदिर है। जय माता रानी, ओम जय माता रानी, जय माता रानी। चलते हैं, नमः शिवाय। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही शांति यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं गर्वजून की गुफा में, आपको दिखाते हैं कैसा है गर्वजून की गुफा। चलिए चलते हैं ऊपर, चलते हैं माता रानी का। चलिए अंदर चलिए, ये हम अंदर के लिए प्रवेश कर चुके हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं गर्वजन की गुफा में। देखिए कितना अंधेरा अंदर, ओ देखिए माता रानी के दर्शन होने वाले हैं बस साइड से। जय माता रानी, ये हमारी माता है, जय माता दी। ये गर्वजन की गुफा थी, हमने आपको दर्शन कराया गर्वजन की गुफा की, बोलिए जय माता दी। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से साइड से एग्जिट है, जय माता दी। चलिए चलिए, दर्शन हो गए अच्छे से। चलो इधर से एग्जिट है, एग्जिट से हम बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि इधर दो रास्ते थे, हमने अर्धकुंवारी वाला रास्ता लेके अर्धकुंवारी आए, तो मैं दूसरे रास्ते पे वापस जाऊंगा इधर से, फिर वापस दूसरे रास्ते से हाथी मत्था की चढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं इसी रास्ते, पहले मैं क्या करूँगा देखिए दिखाता हूँ आपको आगे। ये दूसरा रास्ता है, ये यहाँ तो कॉमन है, ये वाला है रास्ता दूसरा, दूसरे रास्ते में चलते हैं वहीं से जहाँ से अर्धकुंवारी की चढ़ाई की थी हमने। ये देखिए चलते हैं वापस, यही रास्ता है, जय माता दी। ये देखिए हम पहुँचने वाले हैं, ये पहुँच चुके हैं। हाँ ये अर्धकुंवारी जा रहा है रास्ता, हाँ ये सीढ़ी वाला रास्ता अर्धकुंवारी जा रहा है, लेकिन इसके साइड वाला रास्ता वो भी अर्धकुंवारी जाएगा, लेकिन हाथी मत्था भी जाएगा।
इधर से भी रास्ता है, तो हम चलते ही दूसरे वाले रास्ते से अब हाथी मत्थे की चढ़ाई करेंगे। अभी जब आएगा तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाथी मत्थे की चढ़ाई कैसी है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है। जय माता दी, चलते हैं ऊपर, थोड़ी स्पीड से चलते हैं, चलते हैं। ये सामने देखिए, ये हाथी मत्था चढ़ाई है, जय माता दी, यहाँ लिखा हुआ अभी हाथी मत्था चढ़ाई। ये हम सीधे ऊपर आ गए, अब आगे चलते हैं। ये क्या है भाई, ये है धर्मशाला भोजनालय। जैसे आपको कुछ भोजन वोजन करना हो, राज में चार कड़ी चार बहुत मिलता है यहाँ, और ये धर्मशाला है। ऊपर आराम स्टे वगैरह करना हो तो वो भी कर सकते हैं, बाई चांस कोई रात में रुकना चाहता है, किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे स्टे भी कर सकता है। इस तरीके का धर्मशाला बनाया गया है। चलते हैं अब नीचे, चलिए नीचे चलें। हम लोग धर्मशाला से बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। अब आगे आएगा हाथी मत्थे के बाद सांझी छत, सांझी छत भी आपको दिखाएंगे कैसी है। वहाँ पे क्या होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं, जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं तो सांझी छत पे उतर के आगे की चढ़ाई चालू करते हैं। ये सारी शॉप्स हैं जो छोटी छोटी देख रहे हैं, पेंटिंग लगी हुई है अंदर, ये सारी दुकानें हैं। ये देखिए हम सांझी छत पहुँच चुके हैं, चलते हैं ऊपर। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सांझी छत, ऊपर जाने का रास्ता ये है सांझी छत पे। ये हमारा सांझी छत, हेलीपैड बना हुआ है एक तरीके से, यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। अभी कोई हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, जब आएगा तब देखेंगे। चलते हैं अब नीचे, आगे की चढ़ाई करते हैं चालू। चलिए जय माता दी, चलो जल्दी जल्दी चलो, टाइम हो जाएगा अभी। चलिए चलिए चलिए, चलते हैं आगे, जय माता दी। अब हम दौड़ लगाते हुए चलते हैं, माता रानी दर्शन करते हैं। ये सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें रास्ते में पड़ती हैं, सभी दुकानें हैं। अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं, शाम का इंतज़ार नहीं करते हैं, जल्दी चलते हैं। ये देखिए रास्ते में पहुंचने वाले हैं बस, ये देखिए ये रास्ता जाता है हमारा भवन की तरफ, माता रानी के। हम चलते हैं भवन की ओर, चलिए आगे चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं। ये देखिए भवन की तरफ जाते हुए हम लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मन को शांति मिलता है यहाँ पे। ये धर्मशाला के लिए जाता रास्ता, अगर किसी को स्टे करना हो तो। आगे चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, चलिए प्रसाद वगैरह भी खरीदेंगे अभी। सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने के लिए हम चलेंगे स्नान घर में, वहाँ पे जाके स्नान करेंगे। ये स्नान घर का रास्ता, चलते हैं स्नान करने के लिए। वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग बाथरूम है, जेंट्स के लिए अलग है, सब कुछ अलग अलग है, वहीं पे चल के नहाते हैं। चलते हैं हम नीचे स्नान करने के लिए, देखिए चलते हैं आगे चलते हैं। ये है मेल्स के लिए इधर, उधर फीमेल्स के लिए। चलते हैं घर में, अपनी डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं अच्छे से, बहुत लोग आते हैं नहाने के लिए, उसके बाद दर्शन करने जाते हैं माता रानी के। चलिए नहा लिए, अभी चलते हैं आगे। नहाने के बाद हम जो भी चमड़े की बेल्ट वेल्ट लगा रखी थी, ये सभी चीज़ें हम आगे जमा कर देते हैं, लॉकर में रख देते हैं। चलिए आपको लॉकर रूम दिखा देता हूँ, मैंने कोई चमड़े की बेल्ट वेल्ट नहीं लगाई, ना ही जूते पहन के आया हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि चमड़े का पर्स वर्स भी आपको यहाँ रख देना होता है। ये हमारा लॉकर रूम, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो लॉकर रूम में रखूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं रखा है। अब हम चलते हैं आगे, माता रानी के दर्शन करने के लिए ऊपर चलते हैं। चलिए ये रास्ता वापस ऊपर की तरफ ही जाता है, चलते हैं ऊपर इसी रास्ते से। ये हम ऊपर आ चुके हैं, चलते हैं आगे। ये धर्मशाले का रास्ता है, धर्मशाला ऊपर जा सकते हैं। हाँ ये भी धर्मशाले का ही रास्ता है, साइड में इधर से चलते हैं हम माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये रास्ता जा रहा है माता रानी के दर्शन करने के लिए, चलिए आगे चलते, जय माता दी, चलिए आगे। ये बाकी इधर से लाइन लगती है लंबी, ये सीधे मंदिर में जाएगी। पुरानी गुफा की तरफ भी रास्ता इसी का है, और नई गुफा वाला भी रास्ता यही है। चलते हैं ये गाते आगे चलते हैं और
ये देखिए, ये नई गुफा का रास्ता है गोल्डन कलर का, और वो दूसरा वाला ये साइड में जो दिख रहा है राइट में, ये ओल्ड गुफा का है, जय माता दी। ये देखिए ये ओल्ड गुफा वाला है। अभी पहले हम सबसे पहले नए वाले गुफा में जाएंगे, उसके बाद ओल्ड वाले में जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, जय माता दी। घंटी बजा देते हैं, घंटी बजाते पहले, हाँ चलिए आगे चलिए। यहाँ पे रहते हैं लोग सिक्योरिटी वगैरह के तौर पे। चलते हैं हम अंदर माता रानी के दर्शन करने, आराम से, ज़्यादा भीड़ नहीं है, माता रानी के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए माता रानी के दर्शन लिए पंडित जी बैठे हुए हमारे पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे जो जय माता दी, जय माता दी। अब चलते हैं, यहाँ से वापसी है इसी रास्ते साइड वाले से, यहाँ से वापस जाते हैं। वो जो देख रहे हैं वो ओल्ड रास्ता है, उधर से ओल्ड गुफा से हम आ सकते हैं, पुरानी वाली गुफा से हम बाहर आ सकते हैं। इस रास्ते से हम चलते हैं बाहर। अब मैं आपको ले चलता हूँ ओल्ड वाली गुफा में, चलते हैं यहीं से वापस ओल्ड वाली गुफा के लिए। घंटी बजा के ये जय माता दी, ये ओल्ड गुफा का चलिए अब हम चलते हैं ओल्ड गुफा से। देखिए कितनी छोटी गुफा है, और हर आदमी इसमें से निकल जाता है, बहुत ही पतली गुफा है। आराम आराम से किसी को कोई चोट नहीं पहुंचती, और माता रानी तक आराम से पहुंच जाता है। ये देखिए माता रानी का भव्य मंदिर, जय माता दी। यहाँ पंडित जी पूजा कर रहे हैं, हम फिर बस के बाद नए वाले रास्ते से ही एग्जिट कर लेंगे। चलते हैं आगे वापिस। अब भैरवनाथ की चढ़ाई भी करनी है, यहाँ पे आदमी को थकान महसूस नहीं होती, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा एकदम, बहुत ही अच्छा एहसास होता है माता रानी के दर्शन करने के बाद। तो हम चलते हैं यहाँ से भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। चलिए आपको एक रेस्ट रूम में भी रेस्ट रूम दिखा देंगे अभी। यहाँ से पहले हम प्रसाद ले लेते, जो हमने वहाँ प्रसाद चढ़ाया था, यहाँ पे प्रसाद वो दिया जाता है सभी लोगों को, यहाँ से प्रसाद लिया है। चलते हैं आगे, हम हमने प्रसाद ले लिया है घर ले जाने के लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं, भैरवनाथ की चढ़ाई भी करनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब हम दौड़ लगाते हुए चलते हैं, अब आपको दिखाऊंगा जहाँ से रोपवे का रास्ता है। चलते हैं, ये रास्ता जाता है रोपवे की तरफ, चलते हैं नीचे की ओर। चलते हैं हम नीचे की ओर, ये देखिए रास्ता जाएगा रोपवे स्टेशन पर, ये सामने रोपवे स्टेशन है, यहाँ लिखा हुआ भी है रोपवे स्टेशन। आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा रोपवे स्टेशन। यहाँ पे आपका रोपवे, वो ट्रॉली बस दिख रही है, वो यहाँ पे आएगी रोपवे के जरिए, फिर इसमें से बैठकर हम इस तरीके से ऊपर तक आ जाएंगे, भैरवनाथ की चढ़ाई कर लेंगे। इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कम ही कॉस्ट होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको। फिर इसी तरीके से अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है, तो वो भी आप यहाँ से ये बस टाइप का रोपवे के रास्ते से आप नीचे भी आ सकते हैं आराम से, बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर ट्रैवल करना। अब चलते हैं हम भैरवनाथ की चढ़ाई के लिए, पैदल ही चढ़ाई करेंगे। रोपवे आपको दिखा दिया, अब यहाँ से हम पैदल ही भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वे टू भैरवनाथ टेम्पल, चलते हैं ऊपर भैरवनाथ की चढ़ाई के लिए। देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं हम, इस तरीके से ऊपर पहुँचते हैं। ये सीधा रास्ता, पूरा रास्ता जाएगा भैरवनाथ की चढ़ाई के लिए, भैरवनाथ के मंदिर में। चलते हैं हम आगे भैरवनाथ के दर्शन करने, जय भैरव बाबा की, जय माता दी की। कहते हैं कि अगर माता रानी के दर्शन करें आपने और भैरवनाथ के दर्शन नहीं करें, तो आपके दर्शन करने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ से हम प्रसाद ले लेते हैं पहले भैरवनाथ बाबा को चढ़ाने के लिए। हाँ भाई साहब दे दीजिए प्रसाद, हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया। अब चलते हैं, सबसे पहले चल के जूते उतार देते हैं, जूते चप्पल तो पहने नहीं यहाँ, लेकिन जूते चप्पल उतारे जाते हैं, हाथ वाथ धो लेते हैं। यहाँ से हाथ धो लिया हमने, अब चलते हैं यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। घंटे लगी, जय भैरव बाबा।
ऊंचाई पर आ चुके हैं हम एकदम सबसे ऊंचे एरिया में। ये देखिए ये भैरव बाबा हमारे, जय भैरव बाबा की, दर्शन कर लीजिए भैरव बाबा के, जय। और हमारे भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। चलते हम नीचे, ज़्यादा देर रुकना नहीं है वरना भीड़ हो जाएगी, फिर लोग बाग चिल्लाएंगे। चिल्लाता तो कोई नहीं है लेकिन प्यार से दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। ये हमारा फ़ोटोशूट के लिए पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे फ़ोटोशूट लिया जाता है। देखिए पूरा भवन दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भवन। जय माता दी। अब चलते हैं हम नीचे, माता रानी के दर्शन हो गए, अब चलते हैं हम कटरा अपने होटल में रेस्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा हमको माता रानी का दर्शन करके, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि जैसे सच में ही कटरा आ चुके हैं। दोस्तों आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये मंदिर कैसा लगा, आपको रियल मंदिर जैसा लगा या नहीं, सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। ये देखिए यहाँ से हम वापस चलते हैं कटरा की ओर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। तो जल्दी जल्दी नीचे कटरा में हम चलिए, ये बहुत ही स्पीड से भागते हुए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि चढ़ते समय थोड़ा थकान होता है लेकिन उतरते समय एकदम बड़ी तेज़ी से भागते हुए बहुत ही कम समय में हम नीचे आ जाते हैं, फिर अपने होटल में जाके रेस्ट भी कर सकते हैं। जय भोले बाबा की। यहाँ पर भंडारा भी होता है, ये देखिए अर्धकुंवारी माता मंदिर है, जय माता दी। गुलशन कुमार का भंडारा भी होता है, वो भी आपको दिखानी है। जय माता दी। चलते हैं, ये पहुँच गए हम लगभग नीचे आ गए। आपको जो यहाँ से कुछ सामान भी ख़रीदना हो, गिफ्ट ख़रीदना, वो भी ख़रीद सकते हैं। जय माता दी। ये देखिए शाम हो गई है बिल्कुल, अब चलते हैं, मतलब पूरा दिन लग जाता है आपको दर्शन करने में, शाम का भी बहुत ही प्यारा लगेगा। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए शाम का भी। जय माता दी। ये एंट्री गेट पे हमने माता रानी को दोबारा नाम लिया। ये देखिए शाम का भी कितना प्यारा लग रहा है, वो अर्धकुंवारी माता मंदिर दूर से दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ। चलते हैं हम अपने होटल में, होटल के अंदर जल्दी पहुँचते हैं, भाग के चलते हैं होटल की ओर। ये होटल भी आ गया हमारा, अब चलते हैं हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं होटल में, उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको ड्रोन व्यू। ये देखिए नाइट व्यू दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है। ये एंट्री गेट है हमारा और ऊपर से दिखाते हैं, ये देखिए पूरा रास्ता, चढ़ाई जैसे करते हैं पहाड़ों की, ये पूरा रास्ता दिखा रहा है। बीच में भवन बना हुआ है और राइट साइड में वो छोटा सा मंदिर भैरवनाथ का, और बीचों बीच भवन है। नाइट व्यू बहुत ही प्यारा है। बोलो जोर से जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों अब आपको दिखाने वाले दिन का व्यू, ये हमारा डे व्यू है। ये देखिए एंट्री गेट है हमारा, एंट्री गेट के बाद ये पूरा रास्ता जिसके जरिए हम माता के भवन तक पहुंचते हैं, ये सारा रास्ता है। साइड में हमारा राइट साइड में भैरव बाबा का भी टेम्पल है, ये देखिए ऊपर से आसमान से देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है, पूरे पहाड़ का, पहाड़ों के बीचों बीच बसी है मेरी माता रानी, जय माता दी। ये देखिए ये हमारा रोप वे है, ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता, ये है भैरवनाथ तक जाने का रास्ता रोप वे के जरिए। यहाँ पे ये देखिए भैरवनाथ तक पहुँच जाते हैं, भैरवनाथ का मंदिर था। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, थैंक यू, ओके बाय।